नमस्कार बच्चों, मैं दीपा चौहान, विषय हिंदी, कक्षा तीसरी, पाठ तीसरा, तीन गुड़िया। यह पाठ एक चित्र कथा है। इसमें अकबर और बीरबल की कहानी है। बच्चों, क्या आप अकबर और बीरबल को जानते हो? उसकी कहानी आपने सुनी है? अकबर एक राजा थे और बीरबल उनका मंत्री था। वह बीरबल राजा अकबर के दरबार में नौ रत्नों में से एक थे। वह बहुत बुद्धिशाली था। बीरबल अपनी होशियारी से कोई भी पहेली या प्रश्न का उत्तर दे सकता था। तो आज मैं ऐसी ही चित्र कथा समझाऊंगी, जिसमें बीरबल तीन एक जैसी गुड़ियों के स्वभाव बताकर सबसे अच्छी गुड़िया चुनते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक कलाकार आया। उसके पास बिल्कुल एक जैसी तीन गुड़िया थी। उसने अकबर को वे गुड़िया दिखाई। उन्हें तो ये गुड़िया बहुत पसंद आ गई। उन्हें गुड़िया खरीदने की इच्छा भी हो गई। तुरंत ही उन्होंने कलाकार से गुड़िया के दाम पूछे, दाम यानी कीमत। लेकिन कलाकार गुड़ियों को बेचना नहीं चाहता था। फिर भी अकबर ने कलाकार से गुड़िया मांगी। तब कलाकार ने अकबर से कहा, जहां पना यानी विश्व की रक्षा करने वाला, एक गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा, और यही इनका दाम होगा। यानी कि जो कोई व्यक्ति इन तीन गुड़ियों में से सबसे अच्छी गुड़िया चुनेंगे, उसे कोई पैसे के बिना ही इनाम के रूप में, भेंट के रूप में एक गुड़िया दे दी जाएगी। तब अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को बुलाकर वे तीन गुड़िया दिखाई और सबको वही प्रश्न पूछा कि इसमें से कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी है। सभी दरबारियों ने एक ही उत्तर दिया कि ये सभी गुड़िया तो एक जैसी ही है, इनमें तो कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है, यह कलाकार हमें मूर्ख बना रहा है। सभी दरबारियों ने बारी बारी से सबसे अच्छी गुड़िया ढूंढने के प्रयास किए, प्रयास यानी कोशिश, परंतु कोई सफल नहीं हुए, कोई भी गुड़िया को चुन नहीं सके। आखिर में अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, क्या तुम इन गुड़ियों में से सबसे अच्छी गुड़िया चुन सकते हो? तब बीरबल ने उत्तर दिया कि मैं कोशिश करके देखता। तुरंत ही बीरबल ने तीनों गुड़िया हाथ में ले ली और ध्यान से देखी। वे कभी गुड़ियों के कान में फूंक मारते तो कभी इनके मुंह पर हाथ रखकर देखने लगते। बाद में अचानक से वे तीसरी गुड़िया को दिखाते हुए बोले, जहां पना, यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। तब अकबर ने बीरबल को पूछा कि वो कैसे पता चला। वहां पर उपस्थित सभी दरबारियों को भी आश्चर्य हुआ कि बीरबल ने यह कैसे पता लगाया। तब बीरबल ने उत्तर देते हुए बताया कि जब मैंने इन पहली गुड़िया के कान में फूंक मारी तो इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। मतलब कि ऐसे लोग दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। फिर जब दूसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो गुड़िया के मुंह से हवा निकली। मतलब कि यह उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। वैसे लोग विश्वसनीय नहीं होते, यानी कि ऐसे लोग पर भरोसा नहीं कर सकते। आखिर में जब तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो इस गुड़िया के न मुंह से हवा निकली और न तो कान से। मतलब कि यह ऐसे लोगों के समान है जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते हैं, परंतु सुनी हुई बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग ही श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ यानी महान। इसलिए यह तीसरी गुड़िया ही सबसे अच्छी है। कलाकार तो बीरबल के उत्तर से खुश हो गया और राजा अकबर को कहा, जहां पना, बीरबल ने एकदम सही पहचाना, यह तीसरी गुड़िया ही सबसे अच्छी है।
तब कलाकार ने ये सभी गुड़िया बीरबल को तोहफे में दे दी। तोहफा यानी उपहार, भेंट। बीरबल के इस सही उत्तर से तीनों गुड़िया भेंट के रूप में मिली। तब अकबर बहुत खुश हुए और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अब इस चित्र कथा का सारांश देखे तो हमने यह जाना कि अच्छे गुण वाले व्यक्ति ही श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए बीरबल ने उस गुड़िया को सबसे अच्छा माना जो दूसरों की बातें ध्यान से सुनती है लेकिन किसी को बताती नहीं है। अभी इस कहानी में से यह सीख मिली कि बुद्धि के प्रयोग और होशियारी से कोई भी कठिन प्रश्न हल कर सकते हैं और अच्छे गुण वाले व्यक्ति को सब पसंद करते हैं। इसलिए दूसरों ने कही हुई बात को महत्व देना चाहिए। धन्यवाद।